आज मैं ये आई मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज का मेरा टॉपिक है आई मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो। कैसे ये आई मेकअप लुक आप 5 मिनट में कर सकते हैं वो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ ही साथ मैं दूंगी आज आप लोगों को आईब्रो ट्रिक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल वंदनास क्रिएशन। तो आज का मेरा टॉपिक है आई मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो। आई मेकअप करने के लिए मैंने आईब्रो और आई बेस करके रखे हैं और जो आई शेडो मैं आज यूज करूंगी वो है हुडा ब्यूटी का कोरल ऑक्सीजन आई शेडो पैलेट। पूरा आई मेकअप मैं एक ही पैलेट से कंप्लीट करूंगी और सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये स्किन शेड और मेरा ब्रश है सिग्मा का E40। आप कोई भी बिग ब्लेंडिंग ब्रश ले सकते हैं। ट्रांजिशन शेड के लिए ब्राउ बोन के नीचे से पूरा आईलिड्स में मैं ये स्किन कलर अप्लाई कर रही हूँ। सेम ब्रश एंड सेम पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ और हुडा का इस पैलेट से मैं ले रही हूँ ये येलो शेड। ट्रांजिशन शेड के लिए ये येलो शेड पूरा आई में अप्लाई कर रही हूँ और साथ ही साथ ब्लेंड भी कर रही हूँ। अब मैं ये रेड शेड ले रही हूँ सेम पैलेट से और मेरा ब्रश भी सेम है। ये रेड शेड को मैं आईलिड्स के ऊपर अप्लाई करूँगी और सेम ब्रश से मैं अप्लाई भी कर रही हूँ और ब्लेंड भी कर रही हूँ। हुडा ब्यूटी कोरल ऑब्सेशन आई शेडो पैलेट का प्राइस, रिव्यू, सर्चेस एंड कहाँ से आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिल सकता है ये जानने के लिए ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। और ज़्यादा पिगमेंट के लिए मैंने रेड कलर को फिर से अप्लाई किए हैं। हुडा का सेम पैलेट से मैं येलो शेड ले रही हूँ फिर से और मेरा ब्रश सेम ही है सिग्मा का E40। येलो शेड को मैं अब अप्लाई करूँगी ब्राउ बोन के नीचे या फिर आप बोल सकते हैं क्रीज लाइन के ऊपर। कोई भी हार्श लाइन नहीं रहे क्रीज एरिया में, इसीलिए मैंने ये येलो शेड अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। इस पैलेट में आपको 2 शिमरी शेड मिलता है तो मैं ये वाला शेड अप्लाई करूँगी। शिमरी आई शेडो शेड आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन फिंगर से बहुत ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होता है, तो मैं फिंगर से ही अप्लाई करूँगी और मैं ये हाफ आईलिड्स में अप्लाई कर रही हूँ। ऊपर का आईलिड्स का आई शेडो मेरा अप्लाई हो गया है। अब मैं लोअर लैश लाइन में आई शेडो अप्लाई करूँगी तो मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ सेम पैलेट से और मैं एक पेंसिल ब्लेंडिंग ब्रश से मैं अप्लाई कर रही हूँ। ब्राउन शेड अप्लाई के बाद मैं ये 2 कलर को मिक्स करूँगी और मेरा ब्रश है सिग्मा का E25। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ लिक्विड आईलाइनर। अगर आपके पास लिक्विड लाइनर नहीं है तो आप जेल या फिर स्केच लाइनर यूज़ कर सकते हैं। वाटर लाइन में मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं लोअर लैश लाइन और अपर लैश लाइन में अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आईब्रो ट्रिक। आईब्रो ड्रॉ करने के बाद मैं यूज़ करती हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का क्लियर जेल मस्कारा। इसे आप आईज का लैश लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्राउ में भी यूज़ कर सकते हैं। ये अप्लाई के बाद आपका आईब्रो का हेयर एज इट इज़ रहेगा।
आप अपने आई मेकअप के लिए ये ट्रिक अप्लाई ज़रूर कीजिए, ये बहुत काम का है। क्लियर जेल मस्कारा अभी मार्केट में बहुत सारा ब्रांड लॉन्च किए हैं, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। काजल को मैं थोड़ा स्मज कर रही हूँ स्मजिंग ब्रश से। अब मैं अप्लाई करूँगी हाइलाइटर ब्राउ बोन में। मैं ले रही हूँ मेबलिन का हाइलाइटर, आप कोई भी हाइलाइटर ले सकते हैं। ये था मेरा आज का आई मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो।